हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मयंक S41 यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है अपनी क्विक रिलीज के ऊपर, क्योंकि मेरी ये वाली साइकिल में क्विक रिलीज नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी एक नट एंड बोल्ट पे ये टिकी हुई थी तो उसको मैंने निकाल दिया अभी जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे अपन क्विक रिलीज लगाने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्विक रिलीज लगी हुई है ये नॉर्मल वाली है, ये नॉर्मल साइकिल के लिए आती है। तो इसको मैंने यहाँ पे कैसे नॉर्मली फिट करा हुआ है तो वो आप लोग देख सकते हैं, आपने इसकी वीडियो भी देखी होगी। सो गाइस, आपने इसकी वीडियो भी देखी होगी और आपने इसकी वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था, तो इसलिए मैं आज एक और वीडियो लेके आया हूँ क्विक रिलीज के ऊपर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी साइकिल में स्टैंड लगा दिया है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए, प्रॉपर वीडियो, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल स्टैंड है वो यहाँ पे लगता है, पर मैंने स्टैंड को यहाँ पे लगाया है। मैंने यहाँ पे आपको जो भी जुगाड़ है वो आपको मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सके कितने फिनिशिंग से काम हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एडिशनल कोई भी नट लगाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कंपनी फिटेड है। तो आप लोग गाइस, आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि इस पे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो चलिए, अभी जो ये वाली क्विक रिलीज की वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे है मेरे पास अपनी नई वाली क्विक रिलीज। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये नई वाली क्विक रिलीज कितनी शानदार है और कितनी शाइन कर रही है। जो मेरा इसका क्लैंप है वो भी है सिल्वर कलर का, तो इसलिए मैं क्विक रिलीज भी सिल्वर कलर का लाया हूँ, पर ये सिल्वर बचा नहीं। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, जो इसका क्लैंप है वो काफ़ी अच्छा है। अपने जो यहाँ पे रहती है नॉर्मल साइकिल में, वो यहाँ पे क्लैंप नहीं आता है, तो इसमें ऑलरेडी फिटेड रहता है एक नट लगाने के लिए। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा हुआ है, ताकि ये अपने जो सीट की जो ये रॉड रहती है इसको एडजस्ट कर सके, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर रहता है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए इसको इंस्टॉल करते हैं और इसकी वर्किंग चेक करते हैं। गाइस, अब इसको इंस्टॉल करते हैं अपन। तो पहले यहाँ पे अपन को सीट निकालनी है और जो इसका क्लैंप होता है वो क्लैंप भी लगा देना अपन को। ये इस तरीके से हाथ से लग जाता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो और ये इस तरीके से जाता है और आपको बस इसका नट खोलना है सिंपली। तो गाइज, आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो इसका ये वाला जो अलग सा नट होता है, वॉशर जो होता है, ये हमेशा आगे रहना चाहिए। तो आपको इस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। तो इसको यहाँ पे इस टाइप। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अपनी क्विक रिलीज एकदम अच्छे से लग चुकी है और प्रॉपर वर्क भी कर रही है। तो यहाँ पे आपको मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, और ये नीचे चली जाएगी और मैं इसको ऊपर जितना भी ऊपर कर लूँ और मैं इसको टाइट कर लूँ तो ये एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। इसको नीचे कर दूंगा और यहाँ पे इसको करके इसको टाइट कर देता हूँ। गाइस, मैंने आपको इस क्विक रिलीज की वर्किंग भी बता दी है कि किस तरीके से वर्क कर रही है, और ये बहुत मतलब अच्छे से वर्क कर रही है। और MTB में ये सबसे सक्सेसफुल है ये चीज़, जो अपनी नॉर्मल साइकिल में भी है वो अच्छा करती है वर्क, पर इसमें बेस्ट कर रही है, एकदम स्मूथ है गाइज, एकदम स्मूथ है। तो गाइज, यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।